नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी किचन में। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में सिरके वाले प्याज, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों रेस्टोरेंट जैसे सिरके वाले प्याज बनाने के लिए जो चीज सबसे पहले जो चीज हमें चाहिए वो है ये बेबी अनियन। यहाँ देख सकते हैं आपके, मैंने यहाँ पे छोटे साइज का अनियन लिया है, जिसे हम बेबी अनियन भी कहते हैं, उस तरह का प्याज हमें चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से छील के और यहाँ जो ये भाग है उसे कट कर लिया, धो लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कट लगाएंगे। तो हमें कट पूरे यहां से एकदम नीचे तक नहीं लगाना है, बस इसके हाफ पोर्शन तक कट लगाना है। तो इससे हम ऐसे करके बस एक इस तरफ से और एक इस तरफ से कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगा लिया है, इसी तरह से हम सारे अनियन को भी कट करके तैयार कर लेते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, मैंने सारे प्याज को कट कर लिया है और हम प्याज इसलिए कट करते हैं कि जब हम सिरके में से डालेंगे जो सिरके तो रस जो है वो पूरे अंदर तक प्याज में जाए, अच्छे से सोख हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो दुगना बढ़ जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्याज को कट किया उसी तरह से मैंने यहाँ पे कुछ हरी मिर्च को लिया है, देख सकते हैं, और इसे भी मैंने यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे हल्का सा कट लगा लिया ऊपर के साइड में। आप इसे ऐसे भी डाल सकते हैं, पर कट लगा के डालेंगे तो जो सिरका अंदर तक जाएगा तो स्वाद जो है तो दुगना बढ़ जाएगा। और एक बात और दोस्तों कि अगर आपके पास बेबी अनियन नहीं है, आपके पास बड़े साइज का प्याज है, तो आप उससे भी सिरके वाला प्याज बना सकते हैं, पर कैसे मैं आपको उसको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बाउल लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बाउल लिया हुआ है और अब इसमें हम डालेंगे सिरका। ये व्हाइट विनेगर है, ये मैंने एक कप लिया है, ये हम इसमें डालेंगे। इसमें मेजरमेंट बहुत जरूरी है, अगर आप रखेंगे तो ये टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। और जितना मैंने यहाँ पे एक कप सिरका लिया था, तो अब हम हाफ कप पानी लेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं पानी। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी और 1 बड़े चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। इसे हम इसे अच्छे से घोल लेते हैं। दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे एक सबसे जरूरी चीज, वो है ये चुकंदर, जिसे हम बीटरूट भी बोलते हैं। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। जैसा कि आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं ना कि हमारा जो प्याज हम जब खाते थे तो कलर कितना अच्छा एकदम रेड रहता है, एकदम लाल रहता है, तो वो कलर इसी से आता है। तो ये डालने से इसमें स्वाद भी आएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने अनियन काट के रखा था वो एक एक करके हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही डालेंगे ये हरी मिर्च और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये वैसे तो हमने इसमें सारा सब भी कुछ डाल दिया है, पर ये भी खाने के लिए रेडी नहीं है। इसे आप या तो ओवरनाइट रखिए या 1 से 2 दिन में ये बहुत पूरी तरह से मतलब बहुत अच्छी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसे हम इसी तरह अच्छे से मिला लेते हैं और अब हम इसे एक जार में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हम एक कांच का जार ले लेंगे और उसे एक एक प्याज करके हम इसमें डाल लेते हैं अच्छे से, प्याज और हरी मिर्च। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से इसमें जार में भर दिया है और इसे हम ढक्कन लगा के ओवरनाइट अगर हम इसे रखते हैं तो भी ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा, पर 1 से 2 दिन तक रखेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको एक टिप्स दे रही हूँ दोस्तों कि अगर जब जैसे इसमें हमने प्याज डाला और अगर हमारा प्याज जब खत्म हो जाता है किंतु पानी तो हमारा ये सिरका तो बचा रहेगा, तो क्या करेंगे हम, इसे हम फिर यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम फिर प्याज इसी तरह से प्याज और हरी मिर्च काट के इसमें डाल देंगे तो फिर से हमारे सिरके वाला जो प्याज है वो तैयार हो जाएगा। और इसे आप फ्रिज में रखकर 8 से 10 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ये बेबी अनियन नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़े साइज का प्याज था उसको मैंने यहाँ स्लाइस में आप देखिए इसे मैंने ऐसे कट कर लिया है और साथ ही हरी मिर्च भी है जो इसे बारीक बारीक कट कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ही हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, 1 से 1.5 चम्मच चीनी,
आधे चम्मच नमक। देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ 1/3 कप सिरका है वो इसमें हम डाल देंगे और उसका आधा हम इसमें डालेंगे पानी। बस इतना ही डालना कि जो है पूरी तरह से सोख हो जाए। और इसमें डाल देंगे हम ये बीट रूट, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि आपके पास अगर ये बेबी अनियन नहीं है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आप सिरके वाले प्याज का आनंद इस तरह भी इसे भी ले सकते हैं। तो इसे भी हम ढक के ओवरनाइट छोड़ देंगे तो ये भी इस तरह से भी हमारा प्याज खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा और ये भी खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही स्वाद देगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि हमने दो तरीके से इस सिरके वाले प्याज को बनाया है और आप दोनों तरीके से इसका आनंद ले सकते हैं। तो आपको मेरी ये सिरके वाले प्याज की रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के संग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।